राम राम ज्ञान गठरी में आपका स्वागत है। अनमोल भजनों और रोचक जानकारी का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार। इस वीडियो की शुरुआत में मैं बसंत पंचमी की शुभकामनाओं से कर रही हूँ। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। बसंत पंचमी का संबंध ऋतु परिवर्तन से है। ये त्यौहार कंप कंपाने वाली शीत ऋतु के बीत जाने और खुशनुमा मौसम के आने के रूप में मनाया जाता है। बसंत ऋतुओं का राजा भी माना जाता है। बसंत ऋतु में पेड़ों में नई नई कोपले निकलती हैं और नाना प्रकार के फूलों से धरती सज जाती है। खेतों में सरसों के पीले फूलों की चादर सी बिछ जाती है। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार श्री कृष्ण जी ने माँ सरस्वती जी से खुश होकर ये वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन आपकी पूजा की जाएगी। इसलिए समस्त भारत में ज्ञान विद्या और बुद्धि की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। हमें भी नहा धोकर माँ सरस्वती का पूजन करना चाहिए। पारंपरिक रूप से ये त्यौहार बच्चों की शिक्षा के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। कहा जाता है जो इस दिन विद्या की देवी का पूजन करता है उसके आने वाली सभी रुकावटें दूर हो जाती हैं। बसंत पंचमी वाले दिन यदि ऐसे छात्र जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, जिसकी याददाश्त कमज़ोर है, ऐसे छात्र बसंत पंचमी वाले दिन माता सरस्वती का पूजन जरूर करें। सरस्वती माता ही वाणी और विद्या को देने वाली है। प्रिय भक्तजनों, बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के वस्त्र जरूर पहने और सरस्वती माता को पीले रंग की मिठाई का भोग जरूर लगाए। इस दिन कहीं कहीं पतंग उड़ाने की भी रीति होती है। बोलो गायत्री माता की जय, सरस्वती माता की जय।